रोहित शर्मा की कैप्टेंसी और उनकी लीडरशिप जो है वो एक्सेप्शनल है। मैंने ऐसी लीडरशिप और इस तरह की कैप्टेंसी कभी नहीं देखी। ये हैरान करता है कि नए लड़कों, वो जो अपना डेब्यू कर रहे हैं, उनको एक इंसान इतनी खूबसूरती, इतनी ब्रिलियंट तरीके से आगे ले जा रहा है। रोहित शर्मा जो कप्तानी कर रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ कप्तानियों में से एक है। वेल, ये शब्द जो है ये है विराट कोहली के साथ ही रहे रवि शास्त्री की, और अक्सर इंडिया में कंपैरिजन होता है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट वाला अप्रोच जो था वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट था, वैसा अप्रोच हम मिस करते हैं। लेकिन रवि शास्त्री जो विराट कोहली के साथ उस टीम का हिस्सा थे और लंबे समय तक टीम की लीडरशिप का पार्ट थे, जिन्होंने गैबा में सीरीज जीती थी, वो जब ये कहते हैं कि रोहित शर्मा की लीडरशिप जो है वो एक्सेप्शनल है और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा बीते कई सालों में, इस तरह की कैप्टेंसी, इस तरह का लेवल, इस तरह की ब्रिलियंस, तो फिर ये शॉक करता है। इयान चैपल भी यही बात कह रहे थे कि यार लीडरशिप क्वालिटी जो है वो रोहित शर्मा के डीएनए में है और शायद यही वजह है कि खिलाड़ी उनकी इतनी इज्जत करते हैं। वो किसी को डांट सकते हैं, पुचकार सकते हैं, गले लगा सकते हैं, टपली बजा सकते हैं और सब उनकी इज्जत करते हैं, और इसी वजह से वो टीम को एकजुट लेकर चलते हैं और टीम उसका नतीजा परफॉर्मेंस में दिखा रही है, वरना ये नई नवेली टीम इंग्लैंड के सामने घुटने टेक देती। अब रोहित शर्मा एक एंटरटेनमेंट पैकेज तो है यार, जैसे सरफराज खान वाला किस्सा था, ओए हीरो मत बन, चल यहां हीरो नहीं बनना है, हेलमेट लगा। ऐसा कम देखने को मिलता है। अंपायर को लेके भी टोक देते हैं, अंपायर बेचारा ही करता रहता है, अंपायर से भी कहा अबे आज ये आउट देने के मूड में नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये रोहित शर्मा के हाथ है और शायद यही वजह है कि टीम जो है एक्सेप्शनल कर रही है। आप ध्रुव जुरुल के देखिए, जिस तरह से वो आए, जिस तरह से उनको टीम में रखा, कमाल है, कमाल है, परफॉर्मेंस दिख रही है। सरफराज आए, सरफराज को जिस तरह से टीम में शामिल कराया, जिस तरह से लूप में रखा, जिस तरह से हक कर तस्वीरें वायरल हुई, एक्सेप्शनल चल रही थी। जयसवाल तो हम देख ही रहे हैं कि वो जयसवाल क्या बन गया है, और यही वजह है कि इंडिया जो है फिलहाल फोर्थ टेस्ट मैच जीतने के घर पर, 152 रन चाहिए, 10 विकेट इंडिया के पास है, कोई एक्सेप्शनल कहानी इंडिया को हरा सकती है, अदरवाइज ये मैच इंडिया का हो गया। रोहित खुद इंग्लैंड के खिलाफ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। अगर आप T20 में देखोगे तो रोहित शर्मा 140 के स्ट्राइक रेट से 35 के एवरेज रन बनाते हैं इंग्लैंड के सामने T20 में। ODI में उनका एवरेज इंग्लैंड के सामने 48 का है और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 1000 रन से ऊपर बना लिए, जिसमें उनका एवरेज 46 प्लस का है। तो ये उनके स्टैट्स बताते हैं कि वो खुद भी रन बनाते हैं और इसी का असर है कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपने 4000 रन पूरे कर लिए। कई बार लगता है शायद वो और अच्छा करते अगर थोड़ा और पहले टेस्ट में मौका मिला होता, लेकिन तब वो ओपनिंग नहीं करते थे, शायद ओपनर में जगह नहीं थी, नीचे उनके लिए सुटेबल जगह नहीं बनती थी और वो अंदर बाहर। बट अभी रोहित शर्मा अपने आप में एक लेजेंड है, एक ब्रांड है, और वो ब्रांड का असर ये कि 10,709 रन वनडे क्रिकेट में, 4,000 रन टेस्ट क्रिकेट में और 3,974 रन T20 क्रिकेट में, मैसिव है। तमाम खिलाड़ी उनकी इज्जत करते हैं। आप कुलदीप का स्टेटमेंट देख लीजिए, कुलदीप जो आज स्टार परफॉर्मर थे गेंद से, बल्ले से, कुलदीप की तारीफ हर कोई कर रहा है कि यार माइकल वॉन ने तो यहां तक कह दिया कि तुम लेफ्ट आर्म शेन वॉन हो। उन्होंने भी कहा कि जब मैं NCAA में था तो रोहित लगातार मेरी इंजरी के बारे में पूछते थे और कहते थे तू आ रहा है और हमें जिता रहा है, और उसका असर ये रहा कि जबरदस्त तारीफ हुई। अब इसी के बाद लगता है कि यार क्या मुंबई इंडियंस ने वाकई में गलती कर दी, मतलब रोहित शर्मा जैसे कैप्टन को जिसकी तारीफ दुनिया मुरीद हो रही है उसको हटाकर गलती कर दी। आई डोंट नो, मतलब पता नहीं, बट उनका जो हम्बल नेचर है, जो उनका स्टाइल है, जो इस तरह से वो क्रिकेट खेले और जिस तरह से उनकी तारीफ में दुनिया कसीदे पड़ रही है, दैट्स फैंटेस्टिक। और शायद यही वजह है कि रवि शास्त्री, इयान चैपल या बाकी जितने भी लोग हैं फिलहाल रोहित शर्मा के मुरीद बन गए और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ना, उनकी तारीफ में बातें करना, उनकी तारीफ में कहना कि यार जबरदस्त है, दैट्स वेरी वेरी गुड और सुपर्ब। हालांकि मतलब ठीक है, इसमें आप कह सकते हो यार रोहित क्या करते हैं, लेकिन एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट हो रहा है। टीम इंडिया का एनवायरनमेंट जो है काफी चिल्ड है। आप देखोगे कोई किसी के बारे में बिचिंग नहीं कर रहा, कोई किसी के बारे में बकवास नहीं कर रहा और हर इंसान एक दूसरे के सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, टीम में एक अच्छा माहौल है। सो आपको क्या लगता है कि जो ये बातें कही जा रही शास्त्री की तरफ से बाकी लोग थे वो सच है? अब रोहित एज अ बैटर भी टेस्ट क्रिकेट में अच्छे हो गए, 50 से ऊपर टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 100 इनिंग, 4003 रन, 45 का एवरेज, 11 शतक, 16 अर्धशतक, बेस्ट 212, दैट्स ग्रेट ग्रेट। क्या रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस एज अ कैप्टन मिस करने वाली है? पता नहीं, लेकिन डगआउट में और जिस तरह से स्टेडियम में नारे लग रहे थे हमारा कैप्टन कैसा हो, रोहित शर्मा जैसा हो, वो मुझे लगता है कि एक शानदार चीज़ है। बस अब रोहित से यही उम्मीद है कि रोहित
टेस्ट मैच में इसको फिनिश करें और 152 रन बनाएं, जीतें, और इससे इंडिया का ही फायदा है। जयसवाल का भी देखना होगा, जयसवाल कितने छक्के मार लेते हैं, क्योंकि जयसवाल 23 छक्का मार चुके हैं। अगर जयसवाल यहां से आगे बढ़ते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में एक साल में सर्वाधिक छक्कों के मामले में टॉप पर और ज्यादा आगे चले जाएंगे। कितना आगे जाएंगे देखने वाली बात होगी। हालांकि रोहित ने भी 2019 में 20 छक्के मारे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन वो पुरानी कहानी। अब नई कहानी ये कि रोहित फिलहाल मजे से आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया जीत के करीब पहुंच रही है, और इसीलिए हमें लगा कि रोहित की जो कहानियां हैं, वो जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जिसमें चाहे गाली गलौच हो या चहल को पीठ पर टप 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 बजाना हो या यहां पर कहानियां हो, आई थिंक ये एक शानदार है। और उनका जो आईपीएल की कैप्टेंसी को लेकर एक चार्म था, जिसमें कहा गया कि यार वो केवल बड़े खिलाड़ियों के साथ जीतते थे, वो शायद अब गलत साबित हो रहा है। अब ये दिख रहा है कि वो नए लड़कों को लेकर भी एक टीम बना लेते हैं और उस टीम के साथ वो अच्छा करके मैच जिता सकते हैं। सो आई थिंक जो बातें चैपल कह रहे हैं या फिर बातें शास्त्री कह रहे हैं, उनमें काफी दम है। आप क्या सोचते हैं वो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।